मैं राम और कृष्ण को राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल आप सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बौद्ध धर्म की दीक्षा के समय कुछ इस तरीके के शपथ कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसमें साफ कहा जा रहा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, राम कृष्ण गौरी गणपति किसी की पूजा नहीं करेंगे। अब दिल्ली सरकार का मंत्री ऐसे कार्यक्रम में मौजूद रहे और वीडियो वायरल हो जाए, फिर बीजेपी चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कहा जा रहा है कि ये दशहरे के दिन का वीडियो है, जबकि करोल बाग में अंबेडकर भवन में बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम था, उसमें राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और उसी में ये शपथ दिलाई गई। बस क्या था, जैसे ही वीडियो बीजेपी के हाथ लगी, हंगामा मच गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल पर तगड़ा हमला बोला। पूछा, हिंदू धर्म से इतनी नफरत, आपका चेहरा बेनकाब, आखिरकार आप कब तक नौटंकी करती रहेगी? और यदि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इससे सहमत नहीं हैं, तो फिर गौतम को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त करें। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी ये बात नागवार गुजरी है कि कैसे ऐसे कार्यक्रम में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे कोई सफाई नहीं पेश की है। बीजेपी सफाई चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने बचाव में ये भी साथ में करे कि बीजेपी का एकमात्र कार्यक्रम बांटना है, समाज को बांटना, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे। तो अब ये देखते हैं कि जो लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी इसे चुनावी राज्यों में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी जो है गुजरात और हिमाचल दोनों में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है, और कांग्रेस के कमजोरी से जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसको भरना चाहती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से हिमाचल से लेकर के गुजरात तक अरविंद केजरीवाल चक्कर लगा रहे हैं, और इसी बीच मंत्री ने बैठे बिठाए दे दी है मुसीबत। हालांकि बाद में अपनी सफाई मंत्री ने पेश की और साफ साफ कहा समाज कल्याण मंत्री ने कि जब भी बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम होता है तो उसमें मानवता की बात होती है, किसी धर्म जात या मजहब के आधार पर बांटने की बात नहीं होती है। लेकिन जो वीडियो है उसमें तो साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, सब अपने आप बयां हो रहा है, किसी के बताने और कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखते हैं विवाद कहाँ जा करके थमता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।